स्विमिंग कई तरीके की बीमारियों का इलाज है। ये सबसे अच्छे एक्सरसाइज में से एक है। ये कार्डियो एक्टिविटीज में आता है और बेहद असरदार है। स्विमिंग करने से घुटनों के दर्द, मोटापे जैसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक रोजाना केवल 30 से 40 मिनट स्विमिंग करने से ही शरीर को बहुत फायदे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, वरना फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। अगर किसी का शुगर लेवल लो रहता है तो उन्हें स्विमिंग से बचना चाहिए। शुगर लेवल लो के हिसाब से डॉक्टर की सलाह पर ही ऐसी एक्सरसाइज का प्लान करना चाहिए, वरना स्विमिंग के दौरान बेहोशी आ सकती है, जो कि खतरनाक है। जुकाम, खांसी, स्किन और एलर्जी जैसी डिजीज में भी स्विमिंग से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्विमिंग पूल में जाना अवॉइड करना चाहिए, वरना कई तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर किसी भी तरह की सर्जरी हुई है तो उसके तुरंत बाद या बॉडीज में स्टिचेस लगे हैं तो स्विमिंग पर नहीं जाना चाहिए, वरना समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर शरीर में कहीं घाव है तो भी पूल में जाने से बचे, वरना पानी में भीगने से घाव गंभीर बन सकता है। स्विमिंग ही नहीं, किसी भी वर्कआउट करने से पहले सबसे पहले उसकी बारीकी को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। पहले कभी भी स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, इससे पहले आप ट्रेनिंग लें या फिर इसे रोजाना लाइफ में लाएं। इसके लिए बॉडी की ज़रूरत को भी समझना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग थकाने वाली एक्टिविटीज़ हैं। अगर शरीर मजबूत नहीं है तो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। डायरिया के अलावा स्विमिंग से स्किन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, आंखों में संक्रमण भी हो सकता है। ये शरीर के वो अंग हैं जो सीधे वातावरण के संपर्क में आते हैं और ये ज़्यादा उन जीवों के कारण होते हैं जो स्वाभाविक रूप से पानी में रहते हैं। स्विमिंग पूल संक्रमण पैदा करने वाले आम जीव होते हैं। ऐसे में स्विमिंग करने से पहले आप कई तरीके की सावधानियाँ ज़रूर बरतें।